तो दोस्तों, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच एक महामुकाबला खेला गया और इस महामुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जबकि साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लिए। तो ऐसे में क्या अभी भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है? सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान को अब कितने अंक और चाहिए? वहीं इस मैच के बाद जहां दो टीमें जो सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लिए, बाकी सभी टीमों का सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का पूरा सिनेरियो क्या है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वो दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन दो टीमों की जो सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिए, जिनमें है साउथ अफ्रीका और इंडिया। साउथ अफ्रीका ने कल के मैच में पाकिस्तान को हराकर अपनी जगह सेमीफाइनल में लगभग पक्की कर ली है, तो इंडिया भी ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिए। दोनों ही टीमों ने अब तक 10-10 अंक हासिल किए, जहां साउथ अफ्रीका ने 6 मैच खेल करके 10 अंक हासिल किए तो इंडिया ने 5 मैच खेल करके 10 अंक हासिल किए। अभी आने वाले मैचों में से मात्र एक मैच और जीत करके 2 अंक और हासिल करना। अगर ये दोनों ही टीमें एक एक मैच और जीत करके 2-2 अंक हासिल कर लेती हैं तो 12-12 अंकों के साथ ऑफिशियली सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेंगे। वैसे इन दोनों टीमों के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के जो चांसेस है 90 से 95% है। वहीं जहां पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर साउथ अफ्रीका, तो वहीं दूसरे नंबर पर जो है इंडिया। और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में 6 मुकाबलों में से स्टार्टिंग के 2 मुकाबले में जीती है, जबकि उसके बाद लगातार 4 मुकाबले में ये टीम हारी है। वहीं कल के मैच में इस टीम को साउथ अफ्रीका ने हराया। अभी इस टीम को अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो बाकी बचे 3 मैचों में जीतने के साथ साथ अदर टीमों पर डिपेंड रहना होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आने वाले अगर 3 मैच में ये दोनों टीमों में से कोई भी टीम हारती है तो ही इस टीम के चांस सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के बनेंगे। अगर दोनों टीमों में से कोई भी टीम 2-2 मैच और जीत जाती है तो पाकिस्तान ऑफिशियली सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। वैसे पाकिस्तान के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के जो चांसेस है 10 से 15% नजर आ रहे हैं। बात करते हैं उन 3 टीमों की जिनके सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है। ये टीमें लगभग सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है, जिनमें है इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश। इंग्लैंड, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश, ये तीनों ही टीमों ने अब तक 5-5 मैच खेला और इन 5-5 मैचों में मात्र 2-2 ही अंक हासिल कर पाए। बाकी बचे 4-4 मैच तीनों टीमों को और खेले। अगर 4-4 मैचों में इन तीनों टीमों को जीत मिल भी जाती है तो भी इन टीमों के पास 10-10 अंक होंगे और 10-10 अंकों के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना काफी मुश्किल है। अगर ये तीनों टीमों में से कोई भी टीम एक और मैच हारती है, वो टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाए। 3 टीमों के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के जो चांसेस है 5 से 10% नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कम इन टीमों के चांसेस हैं। और ये तीनों ही टीमें पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर भी है। 10वें पायदान पर जहां नीदरलैंड है, तो वहीं 9वें पायदान पर इंग्लैंड है, जबकि 8वें पायदान पर बांग्लादेश। अब बात करते हैं उन टीमों की जिनमें से कोई 2 टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है, जिनमें है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में 5 मैच खेल करके 8 अंक हासिल किए। अभी बाकी बचे 3 मैचों में से 2 मैच जीत करके 4 अंक और हासिल करना है। अगर न्यूजीलैंड 2 मैच जीत करके 4 अंक और हासिल कर लेती है तो 12 अंकों के साथ ये टीम ऑफिशियली सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। वैसे इस टीम के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस 70 से 80% नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच खेल करके 6 अंक हासिल किए, 4 मैचों में से 3 मैच जीत करके 6 अंक और हासिल करना है। अगर ऑस्ट्रेलिया 3 मैच जीत करके 6 अंक और हासिल कर लेती है तो 12 अंक हो जाएंगे और 12 अंकों के साथ ये टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है। वैसे ऑस्ट्रेलिया के चांसेस सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के 60 से 70% नजर आ रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान और श्रीलंका ने, ये दोनों ही टीमों ने 5-5 मैच खेल करके 4-4 अंक हासिल किए, 4 मैचों में से 4 के 4 मैच जीत करके 8-8 अंक और हासिल करना है। अगर ये दोनों ही टीमें अपने आज 4 के 4 मैच में जीत करके 8-8 अंक हासिल कर लेती है तो ये टीमें 12-12 अंकों के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। लेकिन अगर इन दोनों टीमों में से कोई भी टीम एक और मैच हारती है, वो टीम लगभग सेमीफाइनल की
रेस से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी और अफगानिस्तान की सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस है 25-35% नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे या फिर कोई और टीम? कमेंट करके जरूर बताए दे। दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।